उनका भी बेहतरी होगी, इस इलाके की भी बेहतरी होगी, देश की भी बेहतरी होगी और इंसानियत की भी बेहतरी। बहुत बढ़िया। तो बस नेवी फ्लाइंग ऑफिसर भी ये रहे हुए हैं, कई कंपनियों के साथ काम किया, जैसे विप्रो के साथ काम किया था, तो अजीम प्रेमजी जी जो विप्रो के फाउंडर है। हाँ, आपका मैंने सुना कि वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर भी है, एक एड शूट कर रहे थे वो, हाँ, मोहिमूल चावल के लिए। हाँ। नमस्कार, हंसा गुरु ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हैं गोलजू की पावन पवित्र भूमि चंपावत में, यहाँ पर 3 दिवसीय विज्ञानशाला का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे साथ आज हैं दीपक आधार सर, जो दिल्ली नोएडा से यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे, बने रहें हंसा गुरु ब्लॉग के साथ। सर नमस्कार, और आप सुबह से बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पर, बच्चे जो सीख रहे हैं, सीखने की चाह है उनकी, तो सुबह से क्या क्या सीखा इन्होंने, क्या क्या सिखाया, और क्या आपको इनको देख के लगा कि क्या सीखने की इच्छा है कुछ नया हट के? सबसे पहले तो मैंने इन सब लोगों के साथ कुछ खेल के द्वारा सीखने का, तो सिखाने की जगह साथ में सीखने का एक प्रोग्राम बनाया। तो उसमें हमने कुछ खेल खेला, जैसे आपने देखा वो दरी वाला, और कैसे उस दरी को पलटना है। तो जब उन्होंने वो किया तो उनके साथ ही उनसे बातचीत करके उनसे पूछा कि उनको साथ मिलके काम करना कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा? तो उन्होंने बोला अच्छा लगा, तो क्यों अच्छा लगा? तो उनको फिर एहसास हुआ कि कैसे सब लोग जब इकट्ठे काम करते हैं तो एक और एक 11 हो जाते हैं, तो अकेले जब करते हैं तो वो मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिलके काम करते हैं तो मुश्किल भी काम आसान हो जाता है। अलग अलग तरीके से समस्या का समाधान, अलग आइडियाज़ पर्सपेक्टिव मिलते हैं, जिससे फिर वो कैसे समस्या का बेहतर समाधान ढूंढ सके। तो एक तो ये था, दूसरा था कि कैसे वो एक दूसरे की मदद भी ले सकते हैं। आमतौर पर जब हम कोई भी समस्या होती है हमारे साथ, तो हम उस समस्या के साथ खुद ही जूझते हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग होते हैं, अगर हम उनसे मदद मांगें तो उससे फिर वो समस्या जो है वो छोटी हो जाती है और उसका समाधान मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वो झिझक जो हमें होती है लोगों से मदद मांगने की, वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम छोटे नहीं होते, जब कोई दूसरा मदद हमारे को करता है तो उसे भी अच्छा लगता है। अच्छा। और क्या कहते हैं, उसी से फिर वो बंधन भी जो है हमारा वो बेहतर बन जाता है। तो दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और खेल कूद नहीं होती, दोस्ती का असली मतलब तो यही होता है कि एक दूसरे के दुख सुख में और एक दूसरे की मदद अगर हम कर सकें, कैसे हम एक दूसरे को साथ लेके और हम आगे बढ़ सकें, ना कि सिर्फ अपना ही सोचें कि मुझे आगे बढ़ना है, बाकी पीछे रह जाए। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा आप उनसे, मतलब उनकी आवाज़ से, उनके एंथुजियाज्म, काफ़ी जिज्ञासा है बच्चों को, कि उनको मज़ा आ रहा है मज़ा। और क्या कहते हैं, मैं बस उम्मीद यही करता हूँ कि अगर ये लोग अपनी सोच बदल सकते हैं और इस तरीके से समुदाय के साथ काम कर सकते हैं, तो उनका भी बेहतरी होगी, इस इलाके की भी बेहतरी होगी, देश की भी बेहतरी होगी और इंसानियत की भी बेहतरी। बहुत बढ़िया। तो बस यही दीपक सर हैं, जो दिल्ली नोएडा से आए हैं और फ्लाइंग ऑफिसर भी ये रहे हुए हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बच्चों को समझाया। नेवी में पायलट रह चुके हैं दीपक सर, और दीपक सर बताएंगे कैसा रहा आपका आर्मी का सफ़र। बहुत ही अच्छा रहा, अगर ज़िंदगी मेरे को फिर से मिलेगी और मैं अगर फिर से जवान होऊंगा तो मैं चाहूँगा कि मैं फिर से वही काम कर सकूँ। और ख़ास करके आजकल के बच्चे तो जो जवान लोग हैं वहाँ पर, उनके पास तो जिस किस्म के जहाज हो गया वेरी मॉट, उनको उड़ाने का मौका, और हमारा देश जो है वो विश्व ताकत बन रहा है, और उस विश्व ताकत की सेना का एक हिस्सा बनना बड़े बहुत गर्व की बात है, फख्र की बात है, इसमें कोई दो राय है। और काफ़ी मेहनत का भी काम है, जान जोखिम में लगानी पड़ती है, पर अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है। बहुत सबको गर्व होता है, जल थल या नभ कोई भी सेना हो, खुशी होती है उनको देख कर, क्योंकि जब वो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं तो हम लोग एक अपने आप को सुरक्षित महसूस यहाँ पर करते हैं। वहाँ की सीख जो मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि सेवानिवृत्त होने के बाद
अब मैं जब रिटायर हो गया तो या तो मैं सिर्फ अखबार पढ़ूं और पेंशन, या मैंने सोचा कि जो वो सीख थी अगर उससे मैं और लोगों को वो सीख बांट सकूं, हाँ, और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकूं, बेहतरी, हाँ, ला सकूं, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन और सफल हो जाएगा। तो जो मैंने किया अपनी जवानी में वो तो खैर किया ही किया, पर अब उसके आगे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं और अगर मौका मिलता है ऐसा, और अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ, तो और उसके लिए विजय जी ने मुझे मौका दिया तो बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। फौज छोड़ने के बाद मैं कंपनी के साथ था जिसका नाम था पेगासस इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस। तो हम लोग जो है ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यहाँ बच्चों के लिए करें, वैसे हम कॉरपोरेट्स के लिए भी करते थे, क्योंकि कॉरपोरेट्स भी अंत में इंसान ही होते हैं, और जिस तरीके से फौज के अंदर इंसान इतनी मतलब जान की बाजी लगा के इतना मुश्किल काम हासिल कर सकते हैं, तो कंपनी के लोग भी जो है वो अपना दिल से अगर काम करें तो वो अपनी कंपनी का भी काम बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने फिर वही ट्रेनिंग जो है जो हम फौज के अंदर करते थे उसी को लेके हमने कॉर्पोरेट्स के अंदर इस्तेमाल किया, और चीज़ आमतौर पर वही है टीम, मतलब टीम वर्क। तो फौज के अंदर भी जब आप लड़ाई करते हो तो आपके साथ जो होता है आप उस पर भरोसा करते हो कि वो आपको बचाएगा, और अगर उसको कुछ हो गया तो आप उसको बचाओगे, उसको उठाओगे। तो उसी तरीके से कॉर्पोरेट के अंदर भी अगर हम सब लोग एकजुट होकर, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है उस कंपनी का जो वो करना चाहती है, और सब लोग उसी एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके अगर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर काम, बेहतर। जैसे विप्रो के साथ काम किया था, तो अजीम प्रेमजी जी जो विप्रो के फाउंडर है, हाँ, तो उन्होंने हमारा काम देखा, उन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड करी और उन्हें वो बहुत पसंद आई तो उन्होंने अपनी लीडरशिप टीम के लिए वो वर्कशॉप कंपलसरी कर दी, और हमारी कंपनी ने उनके लिए 100 वर्कशॉप करी। ऐसी जो भी लोग प्रमोशन होकर लीडरशिप पोजीशन में जा रहे थे, तो उन लोगों को कंपलसरी कर दिया कि उनको ये वाली वर्कशॉप अटेंड करनी पड़े, ताकि वो अपनी टीम से बेहतर काम निकाल सके, उसको बेहतर कोहेसिव यूनिट बना सके। आपका मैंने सुना कि वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर भी है कोहिनूर राइस स्पॉन्सर भाई। मुझे अगेन मौका मिल गया ऐसे ही, मेरे को कि एक एड शूट कर रहे थे वो, हाँ, कोहिनूर चावल के लिए, हाँ, तो मुझे पूछा कि क्योंकि मेरी उससे पहले फिल्म भी आई थी शिमला विंटर टेल करके, 2 महीने पहले रिलीज हुई थी, बहुत बढ़िया। तो उसमें उन्होंने मुझे देखा तो उनको मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं वो ऐड के लिए भी काम करने के लिए, तो मैं बॉम्बे गया, वहाँ मैंने 3-4 दिन गुजारे और वहाँ शूटिंग करी। तो अभी क्योंकि वो स्पॉन्सर है वर्ल्ड कप के, हाँ, जब वो वर्ल्ड कप शुरू होगा तो उम्मीद है कि मैच के बीच बीच में जब भी ऐड आएगी तो उनकी भी ऐड आएगी, तो उसमें आप मुझे देख सकते हैं। पक्का पक्का सर, बहुत बढ़िया लगा, और हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो YouTube फैमिली है वो भी आपको देखेगी, काफ़ी चीज़ सीखने को उनको मिलेगी। ये हमारे बेरीनाग पिथौरागढ़ और चंपावत के बच्चे हैं, तो देख सकते हो आप, और अभी अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल हंसा गुरु ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक हमें इजाज़त दें, नमस्कार।